कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी ने रायबरेली से राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि क्या राहुल गांधी वास्तव में अमेठी और रायबरेली जीतना चाहते हैं? यदि वह वास्तव में अमेठी जीतना चाहते थे तो उन्होंने अपनी चपरासी को अमेठी में लोकसभा टिकट क्यों दिया है? इससे पहले जब गांधी परिवार जब अमेठी या रायबरेली जाता था तो वहां लोगों को अलग करने के लिए रस्सियां बंधी होती थी और रस्सियों के बीच से गांधी परिवार हाथ हिलाते हुए गुजरता था। लेकिन अब लोगों का सदियों का प्यार और स्नेह का इंतजार पूरा हो गया है। रिश्ते बन रहे हैं। परिवार का हिस्सा दिनेश प्रताप सिंह और स्मृति ईरानी है, गांधी परिवार नहीं। सोनिया गांधी ने इस डर से रायबरेली छोड़ दिया कि अगर वह हार गई तो उन्हें दास जनपद छोड़ना पड़ जाएगा। आइए, नामांकन दाखिल किया। क्या सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते? उन किसको टिकट दिया है? वो चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि वो अमेठी जीतना चाहते हैं। अमेठी छोड़ के भाग आए हैं। राहुल गांधी अमेठी वोट मांगने नहीं जाएंगे, जितना मैं उम्मीद करता हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने परिवार की भांति अमेठी को सजाया है, संवारा है, इज्जत दी है, प्यार दिया है। रायबरेली और अमेठी में जनता के बीच में एक रस्सा होता था, रसरा। अगर ये लोग आते थे तो रस्सा बांध दिया जाता था, रस्सा के उस तरफ जनता होती थी और रस्सा के बीच में सड़क पर हाथ हिलाते हुए गांधी परिवार के लोग होते थे। आज अमेठी रायबरेली में प्यार मिल रहा है, गले लगाया जा रहा, भाई बहन के रिश्ते कायम किए जा रहे हैं। लोग इस प्यार को बहुत सदियों से इंतजार करते रहे हैं, ये पहली बार अनुभव कर रहे हैं। तो परिवार का हिस्सा स्मृति ईरानी है, परिवार का हिस्सा दिनेश प्रताप सिंह है, परिवार का हिस्सा गांधी परिवार नहीं।